वेलकम टू मरुदा आर एस अकेडमी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑलरेडी इसके दो वीडियोस में डाल चुकी हूँ। शॉर्ट लेंथ वीडियो है, दो से तीन रूल्स हम डिस्कस करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि इनको आप हैंड टू हैंड राइट कर लें। अब बात रही प्रैक्टिस की, तो जैसे ये टॉपिक्स, दो दिन में ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा आपका, ठीक है। देन इसके बाद में पूरे रूल्स, ये शायद 20, 21 या 22 रूल्स हैं, और ये दो से तीन दिन में ये फिनिश हो जाएगा, बिकॉज वीडियोज़ बहुत शॉर्ट हैं। इसलिए जैसे ये कंप्लीट होता है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट में जो रहेगा, आपकी प्रैक्टिस सेट रहेगा प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए पॉइंट पे बात करते हैं। आर्टिकल का क्या इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, वो देखते हैं। अ एंड द, ये आपको पता है, द होता है डेफिनेट, जो किसी पर्टिकुलर को बताता है, व्यक्ति विशेष को, वस्तु विशेष को बताएगा, ठीक है। बातें ध्यान से सुनते जाइएगा। अ एंड एन का आपको पता ही है, तो एक तरह से ये समझ लो आपकी द जो है वो आपको सिंगुलर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एंड आपका अ और एन जो हो गए प्लूरल को करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। आपको ये फ्रेज दे दी, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ वराइटी ऑफ, चार बता दिए, बट सबके आगे अ लग रहा है। दूसरे वाले सीन में है द नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, द वराइटी ऑफ, द आ गया, ठीक है। तो भाई जहाँ पे द नंबर ऑफ समथिंग आएगा वहाँ तो आपको वर्ब सिंगुलर आएगी आपकी, एंड जहाँ पे आपके अ नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ये आ गया वहाँ पे आपके क्या रहेगा, प्लूरल। एग्जाम्पल देखते हैं, ये रामायण पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको, मैंने आपको वर्बली बता दिया है। एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए। अ नंबर ऑफ द प्लेयर्स, ठीक है, अपने को सिर्फ इस पे ध्यान देना, अ नंबर ऑफ द प्लेयर्स लिखा है, इस पे ध्यान नहीं देना, गलती मत कर दीजिए, ठीक है, ऐसी गलती नहीं करनी है। अ नंबर ऑफ की बात कर रहे हैं, प्लेयर्स की, ठीक है। अ नंबर ऑफ, तो यहाँ पे आपको देखना है अ है, अ नंबर ऑफ है, तो यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, प्लूरल, बिकॉज अ नंबर ऑफ है, इसलिए अपन ने आर लगाया, ठीक है। नेक्स्ट देखना है द नंबर ऑफ प्लेयर्स है, बस डिफरेंस द का ही है दोनों में, बाकी सब सेम है। तो इसके अंदर देखिए आप इज लगाया, क्यों, बिकॉज द नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है वो पर्टिकुलर, आप इसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे, मतलब अपने को तो ये ध्यान रखना है द नंबर ऑफ, द वराइटी ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, कुछ भी द आ गया अगर इसमें, इस फ्रेज के साथ में द आया तो अपने को सिंगुलर लगाना है। बात समझ आ गई, अ फ्रेज के साथ में प्लूरल, द फ्रेज के साथ में सिंगुलर, ओके। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इधर देखिए, अब ये रूल 7 है, इसके एग्जांपल इसके ऊपर ही आ गए हैं। इसमें क्या कुछ ऐसे होते हैं जिनका पैर होता है, ठीक है, और पैर होता है तो आपको उसे उस तरह से देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि राम एंड मोहन, तो दो अलग अलग पर्सन हो गए, एक ही पर्सन नहीं है, कोई जोड़ा भी नहीं है, इंडिविजुअल है, अलग अलग है, इसलिए हमने यहाँ पे आर किया, ये अंडरस्टूड थिंग है। बट हम यहाँ पे बात करते हैं ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर जो है ये दोनों एक पेयर है और ये साथ में ही आता है, ठीक है। तो आप इसको एक ही कमोडिटी, एक ही चीज़ कंसिडर करेंगे, ब्रेड अलग बटर अलग ऐसा नहीं मानते हैं हम। जैसे इसको आप ऐसे मानेंगे, ब्रेड एंड बटर एक पैर हो गया, इसको आपको सिंगुलर मानना है, इस चीज़ को दिमाग में बिठाइए, ब्रेड एंड बटर। अब देखिए बात किस चीज़ की कर रहे हैं यहाँ पे, आप दोनों आपके डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ब्रेड एंड बटर सोल्ड हियर, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेड और बटर ऐसा तो है नहीं कि आप ब्रेड लेंगे तो बटर वहाँ पे फ्री मिल जाना है, इस केस में तो अलग अलग हो गए दोनों चीज़ें, अलग अलग लेनी पड़ेंगी, तो यहाँ तो आर आ गया। बट ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट डिश, अब आपकी डिश की बात हो रही है तो उसमें दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन, दोनों साथ में है, अकेला ब्रेड नहीं, अकेला बटर नहीं, तो इस केस में आपकी क्या होना है, ब्रेड एंड बटर दोनों चीज़ें साथ में आएंगी। समझ आई आपको बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लियर हो गया होगा। अब इसे बता देती हूँ कौन कौन ऐसे हैं जिनको कि हमें जोड़ा मानना है या पेयर मानना है, ब्रेड एंड बटर हो गया, फिश एंड राइस हो गया, दाल राइस हो गया, राइस करी हो गया, ठीक है। इसके बाद में ट्रूथ एंड ऑनेस्टी हो गया, लगेज एंड बगेज हो गया आपका, स्लो एंड स्टीडी, एज एंड एक्सपीरियंस, क्राउन एंड ग्लोरी, हैमर एंड सिकल, हॉर्स एंड कैरिज, ठीक है। इनको लर्न कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें मिलकर जब सिंगल वस्तु को रिप्रेजेंट करें या उनका यूज़ एक ही चीज़ को बताए तो सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है, कन्फ्यूज नहीं होना है, मतलब कि इनका जो ये सिंगल वस्तु है सब, ये मान लीजिए सिंगल वस्तु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इनमें सिंगुलर यूज़ करना है। अब आगे देखते हैं गोल्ड एंड सिल्वर, अब यहाँ पे इज क्यों नहीं आया, आर क्यों आया, बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर जो है ये एक तो एक वस्तु को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, गोल्ड अलग है, सिल्वर अलग है, ठीक है, ये एक जोड़ा नहीं है, ये पेयर नहीं है, अलग अलग मेटल्स हैं दोनों, इसलिए यहाँ पे आर आया। वाटर एंड फायर, अब वाटर एंड फायर दोनों अलग अलग, साथ जोड़ा तो इनका बन ही नहीं सकता, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या आपको करना पड़ा। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न तो किसी को नहीं है ना,
बिकॉज डू आ रहा है और डज आ रहा है. डू जो होता है आपका वो आता है आपके बहुवचन के लिए, प्लूरल के लिए, और डज जो होता है वो आपका आता है सिंगुलर के लिए, एक वचन के लिए. ध्यान देना यहाँ पे अपने को प्लूरल ही करना था बहुवचन, इसलिए हमने डू किया, बिकॉज दो चीज़ें हैं एक नहीं है वो. ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स. देखिए द हॉर्स एंड कैरिज बताया आपको, इज आ गया बिकॉज एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही चीज़ को बता रहा है, एज एंड एक्सपीरियंस भी. अब ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ब्रिंग एंड ब्रिंग्स है. ठीक है, आपको ये बताया था मैंने स्टार्टिंग में भी कि जो सिंगुलर होती है वर्ब या फिर जो भी आपके सिंगुलर रहेगा वर्ब उसमें ऐसे या ई एस लगता है या फिर आई एस लगता है. ठीक है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है. ठीक है, तो इसको टिक किया. फिश एंड राइस एक ही चीज़ को बता रहा है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी एक ही चीज़ को बता रहा है. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. ये हमने यहाँ पे रूल 7 तक डिस्कस कर लिया है. नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्या करते हैं. थैंक यू.